सफाई कर्मियों पर टूटा दबंगों का कहर, दौड़ा दौड़ा कर पीटा, अस्पताल में उपचार जारी। मौके पर पहुंची नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा। शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले शक्तिपुरम खुड़ा में यहां सफाई कर्मियों पर दबंगों का कहर टूट पड़ा। नाली पर सफाई के दौरान सफाई कर्मियों पर दबंगों का कहर टूट पड़ा और उन पर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार सुनील कोड़े पुत्र श्यामलाल कोड़े उम्र 45 साल निवासी श्री राम कॉलोनी ने बताया कि आसीमों ने नगर पालिका शिवपुरी के आदेश के अनुसार सफाई कार्य हेतु शक्तिपुरम खुड़ा में रिक्की बाल्मीक, अशोक बाल्मीक, नारायण बाल्मीक, रोहित बाल्मीक, धर्मवीर बाल्मीक व अन्य कर्मचारी ट्रैक्टर ट्राली व सफाई सामग्री को लेकर शक्तिपुरम खुड़ा गए हुए थे। तभी सुबह 10:30 बजे सफाई कार्य कर रहे थे। सफाई कार्य के दौरान शक्तिपुरम खुड़ा में कल्लू पंडित की दुकान के पास नाली की पट्टियाँ हटाकर सफाई कर रहे थे। तभी 3 लड़के ऋतिक, सोनू व राहुल आए और रिक्की व अशोक से बोले कि तुम लोगों ने पट्टियाँ कैसे हटाई। इसी बात पर विवाद हो गया और जाति सूचक गालियां देने लगे, जिसके बाद मना किया गया तो ऋतिक ने दुकान से हाँकी उठाकर रिक्की के सिर पर मारी, जिससे सिर में पीछे चोट आई। वहीं कल्लू पंडित ने लोहे की सरिया अशोक के सर पर मारा, जिससे अशोक के सर में चोट आई है। लड़ाई के विवाद में बीच विनोद को भी अमन और अंकित ने मारा, जिससे उन्हें भी चोट आई है। वहीं घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उसका उपचार जारी है। आज ये घटनाक्रम हुआ है, तत्काल कोतवाली अस्पताल पहुंची, इस पे क्या रिएक्शन है, क्या सफाई कर्मी के साथ मारपीट क्यों हुई? हमारे सफाई कर्मी सुबह सुबह गए थे 2 नंबर वार्ड में सफाई करने के लिए, और वहां नाली पे किसी का अतिक्रमण है। जब अतिक्रमण को हटाया तो विवाद बढ़ गया, और विवाद बढ़ गया तो हमारे सफाई कर्मी के उन लोगों ने मारपीट कर दी और ज्यादा चोट आ गई हमारे दोनों लोगों को। आज वो हॉस्पिटल में भर्ती है और उसकी कार्रवाई हम लोगों ने पुलिस थाने में भी की है। पुलिस ने उचित कार्रवाई की, उचित कार्रवाई की। क्या कुछ ये घटनाक्रम हुआ है आपके कर्मचारी? विकास यात्रा के तहत जो काम दिया गया था आदेश अनुसार दरोगा सुनील कोड़े को, वो विकास यात्रा में कार्य कराने गए थे अपना। उसमें एक आदेश में एक लाइन लिखी हुई है कि विकास यात्रा में जिस रूट पे भी अतिक्रमण नालियों पे है उनको हटा के नालियों की सफाई की जाए। वो अपना कार्य कर रहे थे, तभी अतिक्रमण हटाने की बात आई तो लड़कों ने जो पट्टियां हटाई, तो पट्टियां जब हटाई उनने, तो उन लड़कों ने उनसे गाली गलौज की, जाति सूचक गालियां देने लगे। जब जाति सूचक गालियां देने लगे तो उनने पूछा भाई क्या दिक्कत है, उनने कहा आपने क्यों हटाई। जब क्यों हटाई वाली बात करी तो उनने मेहतर की कह के और उन पे हमला कर दिया। उन लड़कों की बहुत सीरियस हालत है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अध्यक्ष साहब का आश्वासन है कि वो हमारे साथ हैं, जो भी कार्रवाई की जाएगी वो उनके लिए तैयार है। कोतवाली में FIR की जा रही है, FIR में उनने की है उनने, लेकिन उसमें हमारी मांग है तो उनमें धारा 307 की कार्रवाई की जाए, रीजन एक्ट की कार्रवाई की जाए और शासकीय कार्य में बाधा डालने की कार्रवाई की जाए। कर्मचारी वर्ग अपने काम से बंद है, अभी से काम से बंद है। हमें सारी कार्रवाई चाहिए और हमें हमारे सफाई कर्मचारी जो रात में काम कर रहे हैं या दिन में वार्डों में काम करने जा रहे हैं उनके लिए सारी सुरक्षाएं चाहिए।